इस सम्मेलन के संदर्भ में और क्या जानकारी बताएंगे, क्या अपडेट्स हैं? निखिल, पहले तो इस नमस्कार वाली बात पे ही बात कर ले तो कल एक छोटी सी अपडेट आपको यहाँ दे दूं कि कल पूरा दिन G7 समिट है, ट्रेंड तो हो ही रहा था, लेकिन जैसे उस ट्रेंड को जब ओपन अप किया गया तो उस ट्रेंड के अंदर लगातार सिर्फ कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही थी जिसमें जो इटालियन लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो हाथ जोड़ करके जो वर्ल्ड लीडर्स है उनका स्वागत कर रही थी। चाहे वो जर्मन लीडरशिप हो, उनका स्वागत उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्ते के साथ में किया है। जो ईयू की लीडरशिप है उनको, उनके साथ उन्होंने हाथ से जोड़ करके उनका नमस्कार किया है। तो एक तरह से जाहिर सी बात है, G20 समिट में जब जॉर्जिया मेलोनी जब भारत में आई थी तब भी हमें देखा था कि नमस्कार करती हुई दिखाई दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और सेम चीज उन्होंने यहाँ पर रेप्लीकेट की है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ग्राउंड रिपोर्टर जो कि चीजों को ऑब्जर्व किया है उसके लिहाज से, तो हो सकता है शायद डिस्कशन में थोड़ा और आपको एक एक एंगल मिले। एक और पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कोई भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म का आयोजन हो, डिस्कशंस हो, उसको कैपिटल सिटी तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए।